हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ब्लॉग्स। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि अपने गाड़ी के कलर मतलब थोड़ा सा मतलब जो ग्राफिक्स कराया था मैंने वो चेंज करूं, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था एक ही कलर में जो कि मैंने पहले से कराया हुआ था येलो। तो फिर बहुत टाइम से मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा मतलब बहुत टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये कलर है येलो, हल्का हल्का जो ग्राफिक्स हुआ है वो येलो कलर, तो मैं आज चेंज करवाने का सोच रहा था। वैसे तो मम्मू को मैंने कॉल किया था तो मम्मू तो बोला है आ जाओ घर के दुकान, तो फिर अभी मैं जाऊंगा मम्मू के पास, फिर वहाँ होगा मेरा थोड़ा सा हल्का हल्का ही, ज़्यादा कराने का तो नहीं सोचा हूँ मैं ऐसे, अभी हल्का हल्का ही कराने का सोचा हूँ। तो फिर देखते हैं अब कौन सा कलर सिलेक्ट करते हैं अपन, उसके बाद में फिर उसी हिसाब से चेंज होगा कलर। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं मम्मू के पास, उसके बाद में देखते हैं कौन सा कलर मम्मू सजेस्ट करता है और कौन सा कलर पसंद आता है, उसी हिसाब से चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं जा रहा हूँ मम्मू के पास, देखते हैं वो आया कि नहीं। मम्मू के पास जाने के बाद वहाँ पर फिर कलर भी छाटना है, और जल्दी कर दे काम तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे तो लेट ही हो जाता हूँ। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए मम्मू के पास, मैं और जुलू भाई। तो मम्मू तो आया नहीं है, गाड़ी खड़ा है, मम्मू आया ही नहीं है, तो टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। चना का सीजन चल रहा है तो पूरा चना को खा रहे हैं। अभी मम्मू तो 1 घंटा से आया ही नहीं, आएगा फिर उसके बाद में होगा हमारा काम स्टार्ट, तो देखते हैं कब आता है। फाइनली मम्मू आ गया है और अब उछाड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि पहले वाला पूरा येल्लो येल्लो है, सबको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर देखते हैं कौन कौन सा कलर है मम्मू के पास। तो फिर वही निकालेंगे, उसके बाद फिर नया कलर लगेगा। फाइनली इस साइड का आधा निकल के कंप्लीट हुआ है, उस साइड का भी निकल रहा है। एक साइड का तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बचा है, इस साइड का भी अभी निकल रहा है, उसके बाद में फिर होगा आगे का। हमारा गाड़ी को देखने के लिए आया है वाल्टर लकड़ा, WPJSP ब्लॉक्स वाला आदमी, यही है जो सांप के नाम पे मछली को दिखाता है, चिंगरा विंगरा के साथ स्कैम करता है, चिंगरा विंगरा दिखाता है। मछली बड़ा था तो क्या हुआ, सांप था थंबनेल में, सांप था था लेकिन पानी के अंदर था, होगा नहीं देख पाए होंगे। और ये अभी फिलहाल तो पूरा हो ही गया लगभग, ये निकालना है कंप्लीट, हाँ ये वाला सीट वाला, उसके बाद में फिर पूरा निकल गया है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर कलर भी छाटना है मेरे को, कौन सा कलर करना है। तो पहले तो निकलवा लेते हैं पूरा को, फिर उसके बाद में देखते हैं। अभी पूरा हो गया है, गाड़ी भी खुल गया है और स्टिकर वगैरह पूरा निकल गया है, वो रहने दूंगा मैं वो दोनों स्टिकर को, क्योंकि एक तो ओरिजिनल है और वाला मेरे को अच्छा लग रहा था तो नहीं निकालना है मेरे को। और यहाँ सलीम दास भी आए हैं हमारे साथ। क्या सलीम, बात का आगे टाइट हो गए हैं थोड़ा। और बाकी तो सब कम्प्लीट है, बाकी मम्मू अभी कहीं गया हुआ है, आएगा उसके बाद में फिर बाकी का होगा, अभी फ़िलहाल तो इतना ही। तो फाइनली मैंने ये कलर डिसाइड किया है अपनी डोमी के लिए, देखते हैं अब कैसा लगता है। वैसे तो ठीक ही लगनी चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है, वो तो चढ़ने के बाद में पता चलेगा कि कैसा लगता है ये कलर, चढ़ने के बाद में पता चलता है। हाँ उसी के बाद ही पता चलेगा। फाइनली वैसे तो थोड़ा थोड़ा काम हो गया है, कंप्लीट होने वाला है लगभग, लेकिन बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको दिखा दें लास्ट में। तो फाइनली लास्ट में दिखाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी फिलहाल ऐसी थोड़ा सा। और प्रकाश भैया भी आए हैं अपनी गाड़ी को लेके करवाने के लिए, यहाँ जुलियो भाई सुबह से परेशान बैठा है, तंग है पूरा अपना जिंदगी से त्रस्त। यहाँ वैसे थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है, बाकी तो कंप्लीट होने वाला है लगभग, और बस एक दो स्टिकर होगा और बैक में बस यही पोर्शन, उसके बाद फिर कंप्लीट है। तो दिखाते हैं आप लोग को कंप्लीट होने के बाद पूरा। बहुत देर काम करवाने के बाद फाइनली अब कंप्लीट हो गया है, लास्ट स्टिकर लग रहा है, उसके बाद में फिर मेरा गाड़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो अंधकार
अंधकार भी हो गया पूरा और मैं बैठा हूँ यहाँ दोपहर से 1 बजे से। मेन बात तो मेरा पुराना वाला इतना सारा स्पीकर था वही निकालते निकालते इतना टाइम लग गया, बाकी न्यू में तो ज़्यादा नहीं लगा है, बट पुराना वाला इतना सारा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब फाइनली लास्ट स्टिकर लगेगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरी गाड़ी कैसी लग रही है, बताइएगा कमेंट करके अच्छी लग रही है या नहीं। वैसे मेरे को तो ठीक ही लग रही थी, बट पता नहीं है आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग बताइएगा। कमेंट नहीं करेगा गाइस। और कौन सा कलर है ये मेरे को तो नहीं समझ में आया, बस मेरे को अच्छा लगा इसलिए हम लगा दिए। तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा कलर है, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आया, मम्मू को भी समझ में नहीं आया। और हम लोग के साथ आए थे WPJSP ब्लॉग्स वाले भैया, वो भी नहीं बता पाए कि कौन सा कलर है, बोलते हैं कि पिंक सब काका बोल रहे थे, ब्लू सब गुलाम भी बोल रहे थे। तो फिर उस हिसाब से बता दीजिएगा अगर समझ में आए तो ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है ये? हाँ ग्रीन और क्या बोलते हैं आसमानी का कॉम्बिनेशन है। तुम छोटा डोन बताओ क्या कलर है? नहीं जानते हैं। पिंक पिंक आपको पिंक दिख रहे हैं, ये उसका असर है, समझ रहे हो ना? समझ गए होंगे सबको भी कहा छोड़ू। ठीक ठीक समझदार लोग को ही सारा ही काफी है। हाँ ठीक बोल रहे हो। बता दिया तो इसके तरफ से गिव अवे, वाल्टर को ले जाइएगा आप लोग गिव अवे में। तो प्रिंस भाई के YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और करिए सब्सक्राइब, और अपना चैनल का भी बता दो। और मेरा ना मेरा कितना बड़ा फैन है WPJSP ब्लॉग, और देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया है प्रिंस भाई अपना काड़ा पे WP। बस ये ब्लॉग छूट गया है क्योंकि जानते हो जसपुर का है भी, तो फिर यहाँ पर सोया है WP मेरा भी फैन। तो मेरा YouTube चैनल है WPJSP ब्लॉग, तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और यहाँ पर MT किड आए हैं, गुजर रहे थे यहीं से, क्या नहीं दिखाओ गाइस नहीं दिखाओ बोलते हैं। फाइनली अब कंप्लीट हो गया है, इधर नीचे भी पूरा भी फ्रंट, और ये फिर पूरा फास्ट टेस्ट और ये बैक में, बाकी तो सब कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट राइड में दिख जाएगा मेरी गाड़ी कैसे लग रही है, अभी फिलहाल इतना ही पहला ही है। हाँ क्योंकि बहुत मेहनत किया है मोमो दिन भर, आज बहुत मेहनत से बनाया है, दोपहर से बैठ के पूरा काम करवाए हैं हम लोग, एक एक चीज। बाकी तो कंप्लीट हो गया है फ्रंट से, कुछ ऐसी लग रही है, बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली मेरा गाड़ी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ घर, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।